मेरा नाम आदिल शेख है और मैं कोरियोग्राफर हूँ बॉलीवुड फिल्म्स में। सर, बजरंगी भाईजान में आपने सलमान खान को जो डांस सिखाया, उसके कोरियोग्राफी के बारे में कुछ बताइए। वेल, बेसिकली मेरा जो गाना है क्वाइट स्क्रीन प्ले वाला गाना है। सलमान भाई के साथ हमेशा काम करने का एक सबका एक ड्रीम होता है एंड इट्स बीन रियली फन उनके साथ काम करने के लिए। एज अ बैकग्राउंड डांसर भी मैंने उनके साथ पहले काम किया, एज अ असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी, और अभी उनको डायरेक्ट करने के लिए बहुत मज़ा आया। एंड बेसिकली सलमान भाई का डांस नहीं था इसमें, इसमें अदनान सामी भाई है एंड उनकी कव्वाली है, उन्होंने गाया है। भर दो जोली जो गाना है, जो कव्वाली है, ये काफ़ी पुरानी कव्वाली है और काफ़ी पुरानी कव्वाली है और काफ़ी मशहूर कव्वाली है। एंड इसी को डायरेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा लगा, मतलब कश्मीर में बहुत अच्छा वेदर भी था और काफ़ी नेचुरल लुक रखने की हम लोग ने कोशिश करी है। एंड सलमान भाई एज ऑलवेज इट्स बीन लॉट ऑफ फन उनके साथ काम करने के लिए, और वो बस सेट पे आए और मैंने उनको समझाया कि आपको ये करना है, वो करना है। क्वाइट स्क्रीन प्ले वाला गाना है और मैं बस इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी मैं सलमान भाई के साथ एक डांसिंग सॉन्ग करूँ, जो मेरा हमेशा से सपना रहा है। वेल, हम लोग की सलमान भाई की केमिस्ट्री, उनके साथ केमिस्ट्री करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, वो तो अपने आप जैसे ही उनसे मिलो तो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो, और जस्ट मिलते ही गले मिल जाते हैं और फिर उनको जो भी समझाओ वो इजीली ले जाते हैं। सारे सीनियर एक्टर्स मेरे हिसाब से कि बहुत ईजी है एक मतलब न्यू कमर्स लोग के साथ और न्यू टैलेंट के साथ, और क्वाइट ईजी, मतलब उनको जो बोलो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते, एंड वन ऑफ देम इज़ सलमान भाई। सो उनके साथ हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है उनको डायरेक्ट करना, मतलब थोड़ा सा डर लगता है समझाने से पहले और बात करने से पहले, बट फिर बाद में वो एक बड़े भाई की तरह सिर्फ कंधे पे हाथ रख देते हैं और फिर सब चीज़ें आसान हो जाती है। अब तक आपने कितने फिल्मों में और कितने एक्टर्स को कोरियोग्राफ कर चुके हैं? वेल, एज अ कोरियोग्राफर देखने जाए तो मैंने अमिताभ बच्चन सर को छोड़ के सारे एक्टर्स लोग के साथ अभी तक काम कर चुका हूँ एज अ कोरियोग्राफर। बॉलीवुड फिल्म्स, एड्स, शोज, सो बेसिकली कमर्शियल्स में मैंने शाहरुख भाई के साथ रिसेंटली एक पानविलास का कमर्शियल भी किया एंड वरुण धवन के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आई हैव जस्ट डन अ न्यू फिल्म, सलमान भाई के साथ तो आप देख ही रहे हो, एंड वैसे तो काफ़ी एक्टर्स लोग के साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस है, बट आई फील इट्स ऑल फन, मतलब अलग अलग एक्टर्स लोग के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ वर्क रहता है, बट सबके साथ मज़ा है। बजरंगी भाईजान में डांस ही नहीं है, वही तो बताया मैंने पहले। हाँ, मैं बॉलीवुड के बहुत मशहूर कोरियोग्राफर है अहमद खान, उनके साथ असिस्टेंट रहा हूँ 5 से 6 साल मैं असिस्टेंट था उनके साथ, और एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर मैंने सलमान भाई के साथ गौतुसी ग्रेट हो की थी एंड उसमें मैंने काफ़ी डांस सिखाया था उनको और बहुत सारी मस्तियाँ भी की थी ऑन सेट, और युवराज करके जो फिल्म आई थी वो भी मेरे बॉस ने एज अ कोरियोग्राफर करी थी, वो भी मैंने एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर सलमान भाई के वो डांस भी सिखाया था, और उनके साथ मतलब जैसे हमेशा सेट पे उनके साथ बहुत सारी मस्ती होती, तो मुझे जानते हैं वो काफ़ी टाइम से, और एज अ वेरी यंग एज आई हैव मतलब सलमान भाई को हमेशा ऑन स्क्रीन देख के बॉडी बिल्डिंग और वर्कआउट का जोश जो था, तो एज अ बैकग्राउंड डांसर मुझसे शादी करोगे का जो मशहूर गाना है जीने के 4 दिन, उसमें एज अ बैकग्राउंड डांसर थे हम लोग, और हम लोग की फिजिक देख के सलमान भाई रोज़ हम लोग को खींच के सेट से वर्कआउट कराने लेके जाते थे, तो वो भी कुछ यादें थी, तो हमेशा जब भी हम लोग सलमान भाई के पास जाते हैं या मैं जाता हूँ या अप्रोच करता हूँ या मिलता हूँ उनसे, तो उनको वो याद आते वो दिन, एंड वो चीज़ का फ़ायदा ये हो जाता है कि हम लोग को काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है जो हिसाब से वो हमको जानते हैं। वेल, अभी फ़िलहाल मतलब मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बट लीविंग दैट, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा जो है वो है कपूर एंड सन्स। मैं ये करता हूँ कि मैं जब एक पूरी फिल्म साइन करता हूँ तो आई टेक अ ब्रेक, आई डोंट टेक एनी, मतलब और कोई दूसरे काम देखता नहीं हूँ मैं, और कोई दूसरे काम को टच नहीं करता हूँ जब तक ये फिल्म कम्प्लीट नहीं हो जाए, जब तक मैं अपने आप को फिर से मार्केट में फ्रीली छोड़ता नहीं हूँ। तो कपूर एंड सन्स इज़ माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता, बट जो भी हो रहा है और जो भी चीज़ें हो रही हो फिल्म में, जितने गाने हैं सबको बहुत मज़ा आएगा,
और बहुत नेचुरल फील रख रहे हैं हम लोग वो पिक्चर में, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट. वेल हाय व्यूअर्स, एंड सिर्फ बजरंगी भाईजान, सिर्फ बजरंगी भाईजान, सिर्फ बजरंगी भाईजान इज ईद पे. और सब लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारे फैंस वेट कर रहे हैं ईद का. और जैसे ही बजरंगी भाईजान आएंगे, गो इन थिएटर्स, क्योंकि ये सलमान भाई की बहुत डिफरेंट फिल्म है, बहुत इमोशनल येट फन येट एनर्जेटिक, और बहुत सारा मज़ा आएगा. गो एंड वॉच बजरंगी भाईजान.